4:10 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी। हम वहाँ जाके आपको सब्ज़ी के रेट देते हैं, और हमारे पास एक आर्डर भी है, वो आर्डर भी हम परचेज़ करेंगे इंशाल्लाह आज ही, और बताएंगे क्या क्या लेकर आए। आप अपने चैनल हेलो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक करें। प्याज की परचेजिंग भी हो रही है हमारे पास, परचेजिंग है प्याज की जो हम प्याज खरीद रहे हैं। बैंगन की रेट क्या है? बैंगन 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो। और ये तुरई? तुरई 20। तुरई 20। और ये कद्दू क्या क्या कहलाता है? ये पेठा। हाँ पेठा क्या किलो है? ये 20। 20 रुपये। और बंद गोभी? 15 रुपये। 20 रुपये। और ये गोल लौकी? गोल लौकी 20। 20। और ये जो भिंडी पड़ी है एक शॉपर में, और ये फ्लावर मार्केट ये ये वो ग्राहक की है, खोल के रखी है। अच्छा, ये क्या हिसाब है? भिंडी 50। 50 रुपये। और गवार फली 30 रुपये। और आज हो गया ना, अब डाल दूंगा टीवी पर। सही है, आपकी शिकायत है ना टीवी पे नहीं आती, आप आ जाओ। ठीक है, ये टीवी पे नहीं आता, यूट्यूब पे का चैनल है, यूट्यूब पर आता है चैनल हेलो व्यूज। ये उधर के रेट क्या है? अदरक के रेट क्या भाई? 270 रुपये। और ये जो छोटे बीज है, टूटे टूटे जो होते हैं, इसका कोई रेट नहीं होता, कभी 150 कभी 200, जैसे कस्टमर लग गया वैसे बीज देते हैं। हाँ बस पुके वाले का। अच्छा, और ये मिर्ची के रेट क्या है इसके? 30 रुपये किलो। और वो लहसुन जो आ गया, लहसुन लगा हुआ है? लहसुन छिला हुआ। ये साबित वाला लहसुन बगैर छिला हुआ? बगैर छिला हुआ 210 रुपये। और ये छिलावा जो दे रहे हैं 160 रुपये। क्या रेट है प्याज के? 1500 रुपये कट्टा। ये कितने वजन का है? 1500 रुपये मन 40। 1500 रुपये मन 40 किलो आएगा इसका। ठीक है, और आलू? आलू के रेट क्या है आज? 1050। अच्छा, आप लूज भी देते हैं या खुला कटा देते हैं? पूरा पूरा बोरी होता है, पूरा बोरी देता है। करेले के रेट क्या है? 40 रुपये। और ये भिंडी के? 70 रुपये किलो। शिमला मिर्च? शिमला 80। 80 रुपये। गोभी? 70 रुपये गोभी। और ये वाला बैंगन, लंबा बैंगन 30 रुपये। और लौकी 50 रुपये। तुरई आपकी? 40 रुपये किलो तुरई। खीरे के रेट क्या है? 60। 60 रुपये। आलू के रेट क्या है? 30 रुपये। 30 रुपये किलो। और ये वाले? ये वाला 25 रुपये। 25 रुपये। ये आप छाटी कर रहे हैं इसमें? ये 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। छोटा साइज है ये? छोटा। अच्छा, और ये कटिंग का माल बिकता है? ये लोग ले जाते हैं नहीं ले आते हैं? ये ले जाते हैं। ये ले जाते हैं। तो ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये माल? ये समोसे में। समोसे में। अच्छा, ये प्याज के रेट क्या है? प्याज के 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। ये वाला 10 रुपये किलो। ये वाला 10 रुपये किलो। ये डैमेज है, आड़ा तेड़ा है, मतलब हल्का प्याज। कद्दू के रेट क्या है? 50 रुपये। 50 रुपये। और ये तुरई? तुरई 35 रुपये। 35 रुपये। और ये गोभी? फूल गोभी 50 का। फूल गोभी 50 का। पालक क्या किलो है? पालक 12 रुपये किलो। पुदीने के रेट क्या है? पुदीने 120 रुपये। 120 रुपये 40। और ये मिर्च है वो हरी प्याज? हरी प्याज 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। और सलाद पत्ता? सलाद 150 रुपये। 150 रुपये किलो। चुलाई का साग क्या हिसाब है? चुलाई 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो। और पालक? पालक 16 रुपये। पालक 16 रुपये किलो। और धनिया? धनिया 280 रुपये 40। 280 रुपये का 40 है। टमाटर का रेट क्या है? 30 रुपये। 30 रुपये। अदरक के रेट क्या है? 280। 280 रुपये। और ये वाली अदरक? 270। 270 रुपये। 10 रुपये का फर्क है। वजह? ये लेते हैं कोई, वो लेते हैं।
वो चाइना है, ये देसी है, ये देसी है तरह के। अच्छा, और लहसुन के रेट क्या है इसके? सिले लहसुन 180। और ये लहसुन, ये वाला लहसुन, ये 170 है। 170 वो। और ये नींबू के रेट क्या है? ये नींबू के रेट, ये नींबू है 100 रुपए। 100 रुपए किलो। जो कटिंग है ये कितने की? ये 220 है। 220 होटल वाले लेके जाते हैं। होटल लेके जाते हैं। कितने का? 400 रुपये। वजन कितना है इसमें? वजन 13 किलो वजन है। असल में होता है कि ज़्यादातर लोग ये पेटी, ये कार्टन वाला लेके नहीं जाते हैं, माल दब जाता है, जिसकी शिकायत होती है कि माल दबा हुआ है, तो पेटी वाला ले जाते हैं। इसमें और उसमें कितना फ़र्क आता है पैसों में? इसकी टमाटर वाले की इसमें कोई फ़र्क। जैसा आप कितने की पेटी बोल रहे हैं अभी? 400। 400 रुपये की। तो मैंने पीछे मालूम करा, 500 रुपये की बोल रहे हैं, 450 की बोल रहे हैं, 50-100 रुपये का फ़र्क आता है, तो इसी वजह से आता है। बताने में ऊपर बताते हैं जो हम आपको, मैंने रेट बताया, ये देने वाला बताया। अच्छा, देने वाला रेट बताया। ऊपर खुद ही बताते हैं, फिर पता है जो लेता है वो कम करा देता है। अच्छा, मतलब मार्केट है 19-20 का फर्क तो आता ही है। क्या कर रहे हो? नाश्ता कर रहे हो क्या? चलो नाश्ता करो। क्या हाल बेटा? पालक कैसा आप दे रहे हो? 15 रुपये किलो। और हरी प्याज 60 रुपये। 60 रुपये किलो। कुल्फा 30 रुपये। 25 रुपये किलो। और धनिया 4 रुपये गड्डी। पुदीने के रेट क्या है? गड्डी बताओ। हाँ, 3 रुपये गड्डी। सही है। 700 रुपये की। वजन कितना है इसका? 14 किलो। गोला टमाटर है ये। लौकी के रेट क्या है भाई? भाई आज सब 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। ये पंजाब वाली लौकी, सिंध में बारिश है इस वजह से। बहुत छोटा आइटम है, लौकी की साइज ही बहुत छोटा है। तो प्यारा साइज है ना? प्यारा साइज है। और ये तुरई, तुरई के रेट क्या है? इसका 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो जी। यस। और ये बैगन, बैगन तो बड़ा स्टाइल से लगाया है। बैगन की रेट क्या है? बैगन आज तक 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो जी जी। और ये वाला? ये वाला बैगन 30 रुपये किलो। पीछे रखा हुआ गोल बैगन 10 रुपये किलो। ये थैली वाला 10 रुपये किलो। थैली वाला 5-10 रुपये किलो। तो वजह क्या है ये 10 रुपये किलो क्यों है? वजह क्या है? ये छोटा। अच्छा, साइज का मसला है इसका। अच्छा, अंदर से सही होगा ना? पका हुआ तो नहीं होगा? बीज पके हुए होंगे, थोड़े बहुत बीज पके हुए होते हैं। मेरे लिए वो अच्छा रहेगा। अच्छा, मेरे लिए ये अच्छा रहेगा। इसमें बीज भी पके हुए नहीं होते हैं, नॉर्मल है ये। सही है, ये वो छोटा बहुत पका हुआ। छोटा। हाँ, काम हम चल रहा है सही। अच्छा, गाजर के रेट क्या भाई? गाजर कैसा बेटा? गाजर, गाजर गाजर कैसा भाई? गाजर ये 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। और ये पपीता जो है? पपीता 40 रुपये किलो। 40 रुपये। चुकंदर? चुकंदर 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। कद्दू? कद्दू 25। कद्दू छोटा बड़ा? ये पकावा, फुल पकावा माल है? हाँ, ये दो तीन किस्म का था, एक हरे वाला, एक ये दूसरा। अच्छा, ये हरे हरे वाली क्वालिटी क्या है, मतलब किसमें इस्तेमाल होता है? महंगा दिखता है वो, 40 का दिखता है, ये 25 का दिखता है। अच्छा, मतलब ये पक गया ना ये? हाँ, पकने की वजह से रेट कम हो गया इसके। पकने पीला हो गया ये, खाली पठान लोग लेते हैं। पठान। अच्छा, और ये वाले गाजर? ये मोटा गाजर, ये 60 रुपये। 60 रुपये किलो। तो इसमें से निकाला होगा ना छाटी करके? ये हाँ, निकला हुआ है, निकला हुआ। अपने हाथ से निकालते हैं ना। अच्छा, ये तो भाव कब हो रहा है? 70 का मांग रहा है। अच्छा, फायदा है तो ना भी बगैर। टिंडे के रेट क्या? अच्छे बताओ। चलो, टिंडे के रेट बताओ। 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। ये मटर का सीजन तो ऑफ हो गया। सही था, पूछे हमको पता नहीं, मैं आज आया हूँ गाँव। अच्छा, आज गाँव से आया तो क्या किलो मटर भैया? 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। ओए हो, मटर 250 रुपये हो गए यार। गिलास उठा। क्या हाल है भाई, खरीद है? माशाल्लाह, लीमू थोड़ा लागे रखा है माल। हाँ, क्या रेट है लीमू के इसके? 160, 150, 140, 130, 180। अच्छा, ये जो पैक कर रहे हैं इसके क्या रेट है? 120 रुपये। 120 रुपये। और बाकी नीचे जो रखा हुआ ये वाला? 100 रुपये किलो। असल में इस पे जो डॉट आ गए इसलिए सस्ता हो गया है, क्या वजह? ये भी सस्ता नहीं है, महंगा जा रहा है। महंगा जा रहा है। ₹50 किलो। हाइब्रिड 50 रुपये किलो। अच्छा, और शहजादी? 40। शहजादी 40। और ये वाली? हाँ, मोटी 40। मोटी 40। और ये भी 40। जर्मन का नहीं पूछा तूने यार? कहाँ है जर्मन? जर्मन ये पड़ी। चल, जर्मन की रेट क्या है? 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो। हाँ,
और ये जो कटिंग वाली मिर्ची जर्मन में निकाली, इसे क्या रेट होता है? ये कटिंग वाली फेंक देते हैं रोड पे। रोड पे फेंक देते हो, मगर आपको तो एक बॉक्स में डालना चाहिए ताकि रोड पे गंदा हो जाता। बारिश हुई है अभी, मार्केट का हाल देख लें कितना कीचड़ हो रहा है। पहले गंदे नहीं, पहले वो तो सफाई, आप हम मिलके सफाई करेंगे, कौन करेगा? हाँ सब मिलके सफाई करेंगे। 30 रुपए किलो। ये सौदा लिया हमने और ये हम लेके जा रहे हैं गाड़ी के पास। तो इस तरह होता है, यहाँ पे होता ये है कि जब आप सौदा वौदा ले लें, कुछ चीज़ ले लें, तो आपको जैसे ट्रॉली चाहिए या साइकिल रिक्शा, जो ये खड़े हुए साइकिल रिक्शा इस तरह के, तो ये भी ले सकते हैं। मतलब ये 30 रुपये लेते हैं, 50 रुपये लेते हैं, साइकिल रिक्शे वाले 200 रुपये लेते हैं, तो इस तरह होता है। अभी तकरीबन 6:45 और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट हल्की इसलिए है कि लोग तकरीबन सुबह 6 बजे के बाद ही मार्केट आते हैं ज़्यादातर। जो माल हमने परचेस करा है इसमें टमाटर है, लौकी है और भिंडी है और गोभी भी है। तो हमने इनसे बात करी थी और इनके साथ आज हम आ गए यहाँ पे, तो ये माल हमने ले लिया है। तो अब ये राशिद भाई होते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, क्या हाल है, खैरियत से? आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 10-12 साल से। तो ये क्या करते हैं आप? मतलब जैसे ये गाड़ी आई है, आपने माल लोड करा, या ये गाड़ी आई है, आपने माल लोड कर दिया? तो शहर से गाड़ी आती है हमारे पास। अच्छा, तो हम लोग इसमें सब्जी लोड करते हैं, तो ये मुख्तलिफ इलाकों में जाती है, तो वहाँ ये लोग जियो पे सब्जी बेचते हैं। अच्छा, तो इसमें आपको पैसे मिलते हैं, बचत होती है? जियो होती है, अल्लाह का शुक्र है, रोजी मिलती है। रोजी मिलती है आपको? तो कितने पैसे लेते हैं अंदाजन से आप? ग्राहक के ऊपर माल ज्यादा हो गया, 50 रुपए भी दे। अगर कोई आए अपनी गाड़ी लेके, तो आप गाड़ी की देखभाल भी करेंगे और माल भी रखेंगे उस पर। चले ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। बोला मिस्त्री,